को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम बहुत से लोगों का सरप्राइज यही तो सरप्राइज है ना। अरे अभी नहीं बताना ना, ये बाद में शो करना है ना। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये है मेरी काजल फ्रेंड, मेरी कलीग है, मेरे ऑफिस में जॉब करती है, बहुत प्यारी लड़की है। और तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छी ट्रिप में, थोड़ा सा हिल स्टेशन भी है वो। तो कौन सा ढाबा बता दो? अच्छा, मन्नी ढाबा है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी खाने की, अम्बाला कैंट में बस स्टैंड के पास। और हमने यहाँ पर से कुछ सामान लिया है और अभी हम खाएंगे कुछ नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बस जैसी आएगी हम और चलते बनेंगे गाइस। ये सब ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, खासकर हमारे ऑफिस वालों के लिए, हमारे फ्रेंड सर्कल के लिए और शायद आपके लिए भी। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम बहुत बड़े रिस्क लेके जा रहे हैं, ठीक है गाइस। और आई होप कि हमारा जो ये जर्नी है बहुत अच्छी जाए, है ना काजल? बोल, चलो चले, जय श्री राम, बाय गाइस, बने रहना मेरे। देखो दोस्तों, हम ऐसे घूम रहे हैं लवारिस की तरह। काजल अपनी मम्मी से बात कर रही है। हेलो आंटी, नमस्ते मोटू। और दोस्तों, बज चुके हैं 11:30, हमें बहुत लेट बस मिली। बस तो थी काफ़ी, बट उसमें रश था, तो इस बस में रश नहीं था। सो हम इस बस में बैठ गए हैं और हम आगे वाली सीट में बैठे हैं बिल्कुल ड्राइवर के पास। कैसा लग रहा काजल? बहुत बढ़िया, सही है, मज़ा आ गया। अभी तक तो बाकी आगे देखते हैं और हम 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये जो बस है पूरे गढ़वाल तक जा रही है, कोटद्वार तक जा रही है, कुछ यादें ताज़ा होगी। तो गाइस, अब पहुँच के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और बज चुके हैं 12 और यहाँ पर एक ढाबा है, यहाँ पर रुकी हुई है। यमुनानगर से पहले एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पर रुकी हुई है। ऑलमोस्ट बस यहीं रुकती है, इसी ढाबे में रुकती है। इस ढाबे का नाम क्या है नहीं पता हमको। और ये देखो, ये हमारी बस है, ये जाएगी आपकी, लिखा हुआ है हरिद्वार कोटद्वार, और ये बस है हमारी और हम आगे वाली सीट में बैठे हैं। और मुझे थोड़ी देर बाद बस नींद आने वाली है बहुत तेज। और ये लड़की तो इतनी पेटू है, कह रही चल खाना खाते क्या खाना खाएगी यार, खाना खाने का टाइम है। और मैं इसके लिए इतना कुछ लेके आई हूँ स्नैक, और इसने अभी पता है एक बर्गर भी खाया और एक वो क्या बोले इसका सैंडविच भी खाया, तभी भी भूख लग रही है गाइस। रोटी तो रोटी होती है ना। वो बस रुकी हुई है, ये लुधियाना से आई है हरिद्वार, ये वो भी हरिद्वार जाएगी। और ये देखिए, हमारी बस है हरिद्वार कोटद्वार, ये पूरा कोटद्वार तक जाएगी। दाल बहुत ज़्यादा और अब हम पहुँचे हैं और इतनी हालत ख़राब है, मतलब नींद आ रही है बहुत तगड़ी। काजल तो फिर भी सो गई थी, लेकिन मुझे तो एंड टाइम में नींद आई जब आने ही वाला था हरिद्वार, और ड्राइवर ने इतने भयंकर गाने लगा रखे थे ना, बेवफा। और ज़्यादा नींद उड़ गई उससे तो। और दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है धर्मशाला और ठीक ठाक है, हमने बस कुछ टाइम ही कुछ घंटे के लिए लिया है। और अभी 5 बज चुके हैं और 6:30 बजे के बाद आरती स्टार्ट हो जाएगी गंगे मैया की। तो फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे आरती, देन उसके बाद हम स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 1.5 घंटा बचा है हमारे पास, है ना काजल? काजल बहुत थक गए हैं, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी, हर की पौड़ी लेके जाऊंगी, ठीक है? मेरा नमो नमो शंकरा।
हर की पौड़ी हरिद्वार, और रात को हमने ट्रैवल किया। देन उसके बाद हम सही समय पे पहुंच गए थे 3:30 बजे के करीब। देन उसके बाद हमने रेस्ट किया। तो दोस्तों पहुंचने के बाद हमने धर्मशाला लिया था, मैं और काजल आए हैं यहाँ पर हर की पौड़ी हरिद्वार, क्योंकि हमने बोल रखा था यहाँ पर आने के लिए। और मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर आ रही हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और बहुत मन था काजल का यहाँ पर आने का हर की पौड़ी में। तो आज मैं उसको लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। रात को हमने ट्रैवल किया यहाँ पर धर्मशाला में, थोड़ा सा रुकने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आए हम, तो अब हम स्नान करने जा रहे हैं, हर की पौड़ी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहना अपने मेरे साथ, हम बहुत इंजॉय करेंगे। जय माता दी, हर हर गंगे। और मैं अभी आपको काजल भी दिखाती हूँ। अरे काजल ऐसे बैठी है, ये परेशान हो रही है, कहीं आज के बाद नहीं मैं आऊँगी, तो हर जगह वीडियो बनाने लग जाती है। और अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। चलो काजल, चलो चलो खड़े हो जाओ, हाय कर दो सबको, हाय। और इसको नींद आ रही है बहुत है, नींद तो खैर मुझे भी आ रही है बहुत है, चलो 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 उधर ना, नींद मुझे भी बहुत तेज आ रही है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई। हमने गंगा स्नान किया, हर की पौड़ी में डुबकी लगाई और बहुत मज़ा आ गया। और जो ये पानी है बहुत ही कूल है ना, नींद एकदम भाग के। और यहाँ पर हमने एक भैया से फोटो क्लिक कराई तो थैंक यू सो मच, ये है फोटो क्लिक के लिए। क्योंकि हमारी एक साथ फोटो जरूरी थी ना मेरी और काजल की। काजल कैसा लगा? बढ़िया, बहुत मजा आ गया, हमने अपनी दिल की चाह पूरी कर दी यहाँ पे। और उनके लिए बोलना चाहेंगे हम कुछ ऑफिस वालों के लिए, कभी ना तुम आए नहीं ना, हमने तो बहुत मजे करे। इनके कारण ना हमारा कैंसिल हो जाता हमेशा प्रोग्राम, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आए चाहे ना आए, लेकिन हम जरूर जाएंगे। दोस्तों हमने ये वाला धर्मशाला लिया था, सेठ करोड़ी मल धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। प्राइस भी सही है इसका, 300 था। और अब हम गंगा जी से होकर, हर की पौड़ी से होकर अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, रेडी होके बिल्कुल। और काजल ने भी शर्ट वेयर करी है, धन्यवाद।
उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे कुछ खाना। दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक भोजनालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुझे नाम तो पता नहीं, मैं ऐसी बैठ गई अंदर। और अभी हम आलू का परोठा खाएंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आलू का परोठा खा के देन उसके बाद हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मार्केट जाएंगे और देखते हैं एक दो मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और अभी देखते हैं परोठा कैसा होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है परोठा टेस्ट में और दिखने में भी। उसके बाद देखते हैं, जल्दी निकल जाएंगे अदरवाइज या तो फिर लंच करके निकलेंगे, वो टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे अब। ठीक है, आ गया काजल का आलू का परोठा, ये अचार, ये मटर आलू की सब्जी और ये है कुल्हड़ वाली चाय। ये चाय के शौकीन है बट मैं नहीं। कैसा है इसका टेस्ट? बस उसने बोल दिया अच्छा, तो अच्छा होगा टेस्ट। आई विल चेक। ओके, दोस्तों अभी हम यहाँ पर मार्केट घूम रहे हैं हरिद्वार की और ये मैंने भी गोगल्स लिए हैं। आई होप कि अच्छा लग रहा हो मेरे ऊपर। ये काजल को पसंद नहीं आए इसके फेस पे, वैसे मुझे बहुत सारे गोगल्स पसंद आए थे लेकिन इसको इसके फेस पे अच्छे नहीं लगे। और मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा हर की पौड़ी में अपना। हम घूमे फिरे, हमने स्नान किया, वीडियो वगैरह भी बनाई, फोटो वगैरह क्लिक करी। कहाँ चली गई वो देखो, वहाँ रुक गई कुछ देख रहे हो। रश बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा रश है, हर की पौड़ी में भी बहुत ज़्यादा रश था। देखते हैं काजल क्या ले रही है। मैंने ना यहाँ के दर्शन के लिए करे काली माता के मंदिर के, और मैं यहाँ पर ना बहुत टाइम पहले आई थी, बहुत 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 टाइम पहले, और एकदम से मेरे को था कि आज मैं आई हूँ तो मैं दर्शन करती हूँ। मैं काफ़ी कंटिन्यू आगे चल रही थी बिकॉज मैं ये रास्ता भूल चुकी थी, मुझे बस कुछ कुछ याद था। और आज मैंने काली माता के दर्शन करे, यहाँ तक कि जो इनकी स्टोरी है मैंने वो भी पढ़ी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है, ये पुल के ऊपर बना हुआ है और नीचे इसके रेलवे ट्रैक जा रही है और गुफा है बहुत अच्छी काली माता की, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। देखिए दोस्तों ये मनसा देवी का पैदल का रास्ता है और ये रही मार्केट, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, हर की पौड़ी में भी बहुत ज़्यादा रश था। और ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है, सारा काम हो चुका है हमारा, शॉपिंग, घूमना फिरना, हर की पौड़ी में जाना और मंदिर जाना, मंदिर के दर्शन करना, तो हो गया है हमारा। हमारे पास टाइम कम है सो इसलिए हम नहीं स्टे कर सकते, नहीं रुक सकते, हम किसी और दिन प्लान बनाएंगे तो घूमेंगे। तो सब बच चुके हैं 2:30 और अब हम निकल चुके हैं, अब हम थोड़ा सा लंच करेंगे देन उसके, अभी इतनी भूख नहीं लग रही है बस काजल को लग जाती है, और फिर अभी लंच करके देन उसके बाद हम बस में बैठेंगे सीधा अंबाला। गाड़ी देखे हम बस लग रही ना, ये हमेशा तक डाकू जा रही है, गंगा जल ले गए। तो गाइस आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इस बार मेरा इतना ब्लॉग में ध्यान नहीं था इसके कारण, चलो जितना जैसा तैसा करके मैंने बनाया ब्लॉग। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इस ब्लॉग को पूरा देखना, खूब सारा प्यार देना। हर हर गंगे, जय माता दी, बाय बाय। अभी हम बस में बैठेंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे थोड़ा। दोस्तों हमें मिल गई है बढ़िया बस एकदम, मुझे लग नहीं रहा था कि हमें डायरेक्ट मिल जाएगी बस। अरे देखो ये मैंने थंब रिंग ली है, पहले मैं इसको बहुत वेयर करती थी और बहुत अच्छी बस है, ये हिमाचल की बस है, इसलिए जाना है चंडीगढ़ देन उसके बाद ये वहाँ से हिमाचल निकलेगी, तो बहुत बढ़िया हो गया कि हमें बहुत अच्छी बस मिली है। हम लिफ्ट का इंजॉय करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। काजल बताएगी कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया लगा, बड़ा आओगे मैंने कहीं और का प्लान बनाएंगे तो मेरे साथ। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत। बाय गाइस, हम ठीक ठाक घर पहुँच जाएंगे, आप सबकी कृपा।